ठीक है भैया। तो मतलब आपका जो सेक्शन 3 है, सेक्शन 3 से हमने आज का किया स्टार्ट किया। सेक्शन 3 जो आपका क्या बात करता है, सेक्शन 3 ये बात करता है कि अगर कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी डेफिनेशन है, कोई भी इलस्ट्रेशन है, कोई भी प्रोविजन है जो अंडर बीएनएस में है, तो अगर उसके अफेंस को चेक करेंगे तो हम उसको ले जाएंगे जनरल एक्सेप्शन में, और जनरल एक्सेप्शन में हम ये चेक करेंगे कि वो अफेंस वास्तविकता में अफेंस है या नहीं है, या इन डेफिनेशन में वॉलेंटरली प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा, इंटेंशन प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा, इलीगल प्रूफ हो रहा कि नहीं हो रहा, मैन है नहीं है, चाइल्ड है नहीं है, वुमेन है नहीं है, जीव जंतु है नहीं है, ओमिशन है नहीं है, एक्ट है नहीं है, मतलब सबको हम कहां ले जाएंगे, एक एक्सेप्शन में रखेंगे। और जनरल एक्सेप्शन बीएनएस में 14 से लेके 44 में, आईपीसी में जो था वो आपका 76 से 106 में था। इसका मतलब हमें चेक कैसे करना है, ऐसे चेक करना है, कैसे करना है ऐसे, क्लियर बात है, चलिए क्लियर है। बस आपको तो हर ऑफेंस को लेके जाना है एक बार कहां पे, यहाँ पे, हर डेफिनेशन को लेके जाना है एक बार यहाँ पे, यहाँ पे, हर इलस्ट्रेशन को लेके जाना है कहां पे, यहाँ पे, हर प्रोविजन को लेके जाना है एक बार यहाँ पे चेक करने के लिए, क्योंकि बोलते हैं कि मारने के एक तरीका होता है लेकिन बचाने का 100, कितने होते हैं 100 बोला जाता है ना, तो ये भैया ये चेक करता है आपके बचाने के लिए कि अगर है कि नहीं है, वॉलेंटरली है कि नहीं है, इंटेंशन है कि नहीं है, एज है कि नहीं है, व्यक्ति ऐसा तो नहीं है इल्यूमिनेट पागल है, अगर पागल व्यक्ति है तो उसकी पनिशमेंट है भी नहीं है, क्लियर बात है। अगर उस टाइम पे पागल नहीं था जिस टाइम पे उसने ऑफेंस किया तो मतलब पनिशमेंट है, अगर शुरू से पागल है और ऑफेंस कर दिया तो पनिशमेंट नहीं है, समझ में आ रही बात, चलो आगे बढ़े। आइए हम इलस्ट्रेशन को डील करते हैं जो कि हमने कल भी किया था। क्या लिखा था, सेक्शन ऑफ संहिता द कंटेंट डेफिनेशन टू ऑफेंस नॉट एक्सप्रेस टू चाइल्ड अंडर 7 ईयर फॉर एज कैन नॉट कमिटेड ऑफेंस, लिख दिया ना, कैन नॉट कमिटेड सच ऑफेंस, बट डेफिनेशन आर अंडरस्टूड सब्जेक्ट द जनरल एक्सेप्शन विच द प्रोवाइडेड नथिंग द सेल एंड विच द डन एंड चाइल्ड अंडर 7 ईयर। क्या बोला है हिंदी में, इस संहिता की वे धाराएं जो अपराधों की परिभाषा में अंतर्विष्ट है यह अभिव्यक्त नहीं करती है कि 7 वर्ष से कम आयु का जो बालक है वो अपराध नहीं कर सकता। वो ऐसा कोई बोला क्या उनने डेफिनेशन में, ऐसा कोई बोला डेफिनेशन में, चाइल्ड को डिफाइन किया, लेकिन चाइल्ड कौन होता है, 18 साल से कम आयु का लड़का, लड़का नहीं व्यक्ति होता है, और व्यक्ति में मेल फीमेल ट्रांसजेंडर कोई भी आ सकता है, ठीक है। और उनने बोला कि यहाँ पे 7 साल से अगर कम आयु का बच्चा अगर कोई क्राइम करता है तो उसको अपराध माना कि नहीं माना, इसके बारे में डेफिनेशन में कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा, बट लेकिन किंतु कोई बात, 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे के द्वारा अगर अपराध किया जाता है वो अपराध नहीं है, ये बात ही बात कहाँ लिखी है, जनरल एक्सेप्शन में लिखी है, साधारण अपवाद में लिखी है, कहाँ लिखी है, साधारण अपवाद में लिखी है। तो भैया अगर 7 साल से कम आयु का अगर बच्चा अपराध करता है तो वो कहाँ जाता है आपका, कहाँ जाता है आपका, जनरल एक्सेप्शन में, अपराध नहीं है भैया, वो क्या नहीं है, वो अपराध नहीं है। और ये वाली जो सेक्शन आपकी है, ये सेक्शन लिख लीजिए आप 20 बाजू में लिखिए, हाँ इलस्ट्रेशन में बीएनएस का सेक्शन 20 लिख लीजिए, और आप आईपीसी का लिख दीजिए 82, हाँ ना, डॉली कैपेक्स है ना, मतलब आप यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए आप सेक्शन 20 BNS और IPC का सेक्शन लिख लीजिए 82, इसको बोला जाता है डॉली कैपेक्स, अक्षम गुड़िया का सिद्धांत, डॉली एंड कैपेक्स और डॉली कैपेक्स को बोला जाता है अक्षम गुड़िया का सिद्धांत हिंदी में, अक्षम गुड़िया, गुड्डा गुड़िया होते हैं 7 साल से कम आयु के बच्चे, गुड़िया नहीं भैया, गुड़िया, गुड़िया तो ऑफेंस करेगी तो भी अंदर जाएगी, गुड़िया अगर ऑफेंस करेगी तो नहीं जाएगी, क्योंकि उसमें सोचने समझने की बुद्धि नहीं है। लेकिन लॉ आजकल, वो एक केस आया था, एक केस आया था कि सेव की सब्जी के पीछे लड़ाई हो जाती है एक पति पत्नी के बीच में, और 2-3 साल पहले उनमें राजीनामा हुआ है, मतलब 70 साल से लग रहे थे वो लोग सेव की सब्जी के चक्कर में,
ना। और ऐसे भी लोग हैं, ईगो हर्ट हो गया था, सेव की सब्जी अगर गंदी बनी हो जाता है, कोई बात नहीं। चलो इसके बाद लिखिए 80 21, मतलब ये दोनों सेक्शन भी आपका रीड विथ, यहाँ पे 21 भी कर लेना और यहाँ पे 83 भी कर लेना, तो आपको समझ में आएगा कि बीएनएस में आपका ये वाली चीज भी दी होगी। बिल्कुल 21 को डील नहीं करता, 21 में अलग चीज बोली गई है, उसमें 7 वर्ष से अधिक आयु का बच्चा लेकिन 12 वर्ष से कम आयु का बच्चा अगर कोई अपराध करता है उसके बारे में प्रोविजन है। अभी जब आगे आएंगे तो पढ़ेंगे, केस लॉ के साथ पढ़ेंगे, सब चीजों के साथ पढ़ेंगे भैया। अब ये वाला जो है, ये वाला जो सेक्शन है, ये आईपीसी में कौन सा था, 76 था। हाँ, ये बी वाला जो इलस्ट्रेशन है वो आईपीसी में 76 में है और आपके यहाँ पे कौन सा है, 14 में है। बीएनएस में कहाँ है, 14 में। बीएनएस में कहाँ है भैया, 14 में है। क्या बोल रहा था ये वाला, तो आपको पता ही है, एक पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर देता है क्योंकि तो वो एम्पावर बाय लॉ होता है, तो उसने कोई ऐसा ऑफेंस किया नहीं है। इसका मतलब कौन सी मैक्सिम, इग्नोरेंटिया फेसिट एग्जीक्यूशन और इग्नोरेंटिया जूरिस फेसिट एग्जीक्यूशन, मतलब जूरिस एग्जीक्यूशन, जूरिस नॉन एग्जीक्यूशन, ये बोला है उसने। तो उसमें बोला है कि तथ्य की भूल क्षम्य है लेकिन विधि की भूल नहीं है। अगर आपको विधि द्वारा कोई ऑथराइज किया गया है और आप किसी व्यक्ति को क्या कर लेते हो, अरेस्ट कर लेते हो, लेकिन ये लॉ में लिखा है, लॉ में आपको पावर है, तो आपने कोई ऑफेंस नहीं किया। लेकिन अगर आपको लॉ ने पावर नहीं है और तथ्य आपको याद रात रटवा दिया जाता था कि इस व्यक्ति को या इस व्यक्ति को पकड़ के लाना, इस व्यक्ति को, और आप पकड़ लाए मुकेश अंबानी, तो ये तथ्य की भूल हो गई, विधि की भूल नहीं है। देखो विधि आपको अगर अगर हो सकता है विधि में आपको किसी व्यक्ति को पकड़ने भेजा, आप दूसरे को पकड़ लाए, माना जाएगा कि विधि की भूल, तथ्य की भूल हो गई। आपने मुकेश बोला, हमने इनसे पूछा मुकेश हो आप, उन्होंने बोला जी हाँ मुकेश है, सकल हम भूल गए और हम मुकेश को ले आए, जैसे हम राजेश का नाम मुकेश नाम से सेव करके रखा हूँ, वो आज तक सही नहीं हो पा रहा है ना। तो ये वाली चीज भी है, अब क्यों नहीं हो पा रहा सही, क्योंकि तो ये विधि की भूल नहीं है, ये मेरी किसकी भूल है, तथ्य की भूल, इसलिए ये क्षम्य है। क्लियर बात है, हाँ एक कोई बोलो, बिल्कुल इलस्ट्रेशन भी स्पष्टीकरण के बारे में बात करते हैं। ये सब किसके बारे में बात कर रहा है, ये जो आपका सेक्शन 3 है ना, जो सेक्शन जो 3 है वो आईपीसी का सेक्शन 6 था, और ये यहाँ पे आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो मैं बता रहा हूँ, इसको आप लिख सकते हो, इस सेक्शन के बाजू में आप लिख लीजिए एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण बताता है कि हम किसी भी डेफिनेशन को एक्सेप्शन में जाएंगे तो हमें स्पष्टीकरण पता चलेगा कि ये है, लिखा है ना, हाँ तो लिख लो, तो फिर मैंने ध्यान नहीं दिया होगा, नहीं देखा इसमें, डायरेक्ट में दिया है ना, हाँ ठीक है लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं भैया हमारे सबसेक्शन 3 के 2 पर, बहुत अच्छे से डील करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एवरी एक्सप्रेशन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ संहिता, यूज एवरी पार्ट इन संहिता ऑफ द कन्फर्मेटी ऑफ द एक्सप्लेनेशन। क्या बात कर रहा है, हिंदी देखिए, हिंदी अगर किसी के पास है, हाँ इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये आपके सेक्शन आईपीसी के कौन से सेक्शन में जाएगा, ये कोई बता पाएगा आप लोगों को, तो अभी कम से कम 1-2 साल आईपीसी भी पे ध्यान देना पड़ेगा है ना। सेक्शन 7 लिख लो उसके बाजू में, आईपीसी का सेक्शन 7, मतलब ये है रीड विद सेक्शन 7, चेंज क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, दोनों एज इट इज है, मतलब आपका सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 और आईपीसी का सेक्शन 7 बात एक ही करता है। ये भी बात किसके बारे में बात कर रहा है कि जो भी हमने क्या बोला है, जो भी पद हमने बोला है, जो पद का भाव है, स्पष्टीकरण है, उसका प्रयोग स्पष्टीकरण के तौर पे यूज किया जाएगा कि नहीं। जैसे इलस्ट्रेशन आता है, इलस्ट्रेशन क्या करता है, उसका भाव बताता है कि अरे यार हम ये वाली चीज को ऐसे डील कर रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, तो इलस्ट्रेशन क्या बता देता है, उसका भाव बता देता है, एक्सप्रेस कर देता है। देखा ना एवरी एक्सप्रेशन एक्सप्लेन द पार्ट ऑफ संहिता, क्लियर बात है ये वाली। आ जाइए इसके आते हैं सबसेक्शन 2 पे था ये,
ये थ्री के थ्री पे आते हैं। और रीड विथ किसके साथ करना है, ये अपना क्या लिखा था, प्रॉपर्टी हैज बीन पोजीशन पर्सन स्पाउस क्लर्क सर्वेंट, ये जाएगा आपका रीड विथ सेक्शन 27 आईपीसी। देखो जरा आईपीसी, देखो जरा आईपीसी नहीं लाए आप लोग? हाँ यही है, लिख लो सेक्शन 27 आईपीसी, ये इसके साथ जाएगा। बीएनएस का थ्री थ्री, सेक्शन थ्री का थ्री, पहले सेक्शन थी अब सब सेक्शन बन गए हैं ये। ठीक है, लिखा है द प्रॉपर्टी पोजीशन ऑफ द पर्सन, मतलब इसका मतलब ये किसके बारे में बात कर रहा है, पोजीशन के बारे में बात कर रहा है, किस पर्सन की पोजीशन में रहेगा, एक तो स्पाउस पत्नी, एक तो क्लर्क पति, और एक तो सर्वेंट बाहर वाली। सही बोलोगे? सही तो है, पत्नी स्पाउस क्लर्क पति सर्वेंट बाहर वाली, ठीक है, अदरवाइज है। कहाँ लिखा है? हाँ ना, तो मना थोड़ी कर रहा हूँ, पोजीशन तो वही रखेगा ना, पोजीशन में रखा है स्पाउस क्लर्क सर्वेंट, क्या रखे हैं, अकाउंट, अकाउंट मतलब कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज है, ये सब इनके पोजीशन में है। हाँ, इसका मतलब अब समझ लो क्या है, आपकी सर्वेंट की कितनी वैल्यू है, आपकी पत्नी की कितनी वैल्यू है, ये आप आज जान लोगे। समझो आप क्या लिखा है, पत्नी जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, उसके पति, उसके लिपिक, उसके सेवक के कब्जे में है, तब इस संहिता के अंतर्गत समझा ये जाएगा कि वह उस व्यक्ति के कब्जे में है। इसका मतलब अगर कोई अकाउंट आपके पत्नी, आपके सेवक और आपके सर्वेंट और आपके क्लर्क, लिपिक बोलते हैं जिसको, क्लर्क क्या बोलते हैं, लिपिक है ना, अगर इनके कब्जे में है तो ये माना जाएगा कि आपके कब्जे में है, अगर इनके कब्जे से चोरी हुई है तो ये माना जाएगा आपके कब्जे से चोरी हुई है, अगर इनके कब्जे से कोई लूट हो गई है तो माना जाएगा कि आपके कब्जे से लूट हुई है, इनके कब्जे से कोई धोखा मिला है तो आप माना जाएगा कि आपके कब्जे से कोई धोखा मिला है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए और क्लियर करेगा, पढ़िए क्या लिखा है। क्या लिखा है, पर्सन एम्प्लॉय द टेम्परेरी और पर्टिकुलर ओकेजन इन ए कैपेसिटी ऑफ क्लर्क एंड क्लर्क इन सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ सब्सेशन। इसका मतलब जो आपके क्लर्क हैं और सर्वेंट हैं, ये दो तरीके से अपॉइंट किए जाते हैं, एक तो टेम्परेरी और एक ओकेजन पे। टेम्परेरी और एक पर्टिकुलर, बस ये है आपका हाँ डन 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 किन्नी डन डन, आगे बढ़े चलो। अब आते हैं हम सबसेक्शन फोर पे, क्या बोला भैया सबसेक्शन फोर, सबसेक्शन फोर क्या बोल रहा है, देखिए है ना, एवरी पार्ट ऑफ संहिता एक्सेप्ट द कंट्रेरी मेंशन द अपीयर फ्रॉम दी कॉन्टेक्स्ट वर्ड विच रिफर टू एक्ट डन एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन। क्या बात करता है, क्या बात कर रहा है भैया, जब किसी संदर्भ से अन्यथा आशय प्रतीत ना हो, इस संहिता का प्रत्येक भाग में दिए गए कार्यों के निर्देश उस शब्दों के विस्तार का अवैध लोपों पर, लिख लीजिए इसके बाजू में सेक्शन 32 आईपीसी। मतलब ये आपका थ्री का फोर है और इसको देख रहे हैं हम आईपीसी में कहां पे,
34 सेक्शन में, मतलब 34 34 34 34, तीन चार तीन चार, है ना, ये याद रखना। यही वाली डेफिनेशन, मतलब उसमें क्या लिखा है, उसमें ये लिखा है कि आपकी ये बोले जब तक की संदर्भ से अन्यथा तत्प्रतिकूल साबित आशय प्रतीत ना हो, प्रत्येक भाग में किए गए कार्यों के निर्देश शब्दों के, इसके शब्दों के अंतर्गत क्या कहलाएगा आपका। इसका मतलब इसमें यह बोला गया है कि जो एक्ट होगा वो बराबर किसके होगा, ओमिशन के। जो एक्ट होगा बराबर किसके होगा, ओमिशन के। इसका मतलब और अच्छे से अगर क्लियर करूं इसकी डेफिनेशन को, ये बोला है कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट विच द रेफर टू एक्ट डन एक्सटेंड टू इलीगल ओमिशन। इसका मतलब एक्ट इंक्लूड टू इलीगल ओमिशन, ये आपका 3 का 4 कहना का चाह रहा है। कौन कहना चाह रहा है आपका 3 का 4। इसका मतलब अगर किसी एक्ट करने के लिए डायरेक्ट किया गया है, मतलब कि जाइए ये वाली चीज कर दीजिए, और व्यक्ति क्या करता है वो एक्ट में ओमिट कर देता है, तो माना जाएगा वो एक्ट क्या है आपका, इलीगल ओमिशन से भरपूर है। मतलब उस शब्द का मीनिंग हम किससे लेंगे, आपके 3 के 4 से लेंगे, कि कार्यों के निर्देश करने वाले शब्दों के अंतर्गत भी क्या आता है आपका, अवैध लोप आता है। हाँ हाँ कर देंगे कर देंगे कर देंगे, और कर देंगे वाला वर्ड वो क्या है आपका, एक ओमिशन दर्शा रहा है कि हाँ कर देंगे। जैसे मैंने बोला याद करके आना, आपने बता दिया ठीक कल कल कर सकता, और वापस से फिर वही मूल्य के आते हो तो नहीं है सर हमें याद बिल्कुल भी नहीं, तो ये ओमिशन है आपका, इलीगल तो नहीं है ओमिशन। जिस दिन यहाँ पे लॉ बन गया यहाँ पे, उस दिन से इलीगल ओमिशन। चलो वैसे तो इलीगल ओमिशन है, फाइन लगा सकता हूं मैं, इम्पोज कर सकता हूं, पावर है मुझे, है कि नहीं है, है पावर। चलो लेकिन लेता नहीं हूं, क्योंकि तो आप लोगों की पढ़ाई आप लोगों के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जज बनोगे आपके लिए, बस 1 महीने की सैलरी मैं लूंगा, नहीं देना क्या, किसी के मन से ऐसा आ ही नहीं रहा कि दे देंगे सर, ठीक है आराम से आ रहा दे देंगे। अच्छा ब्लैक में जितना आएगा, ब्लैक में लाओगे ईडी बैठी है आजकल छापे मारने के लिए। और जज बनो तो जज बनो तो जज बनो तो जज जैसे बनो, है ना, ऐसे नहीं नौकरी के जैसे उसको डील मत करो। हाँ जैसे सोनिया का मानना है कि पैसा खूब है, हम जज सिर्फ नाम के लिए बनेंगे, है ना। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते भैया 6 पे लिखा है वेन एवर एन एक्ट विच इज अ क्रिमिनल, 5 कहां, अच्छा मैंने ऊपर बढ़ा दिया, हाँ वेन क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन फर्दरेंस ऑफ द कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल ईच सच पर्सन इज लाइबल दैट एक्ट द सेम मैनर एज फिट इट वेयर डन हिज डन। इसका मतलब यही वो सेक्शन है जो आपकी आधारभूत श्रृंखला बनाती है जजमेंट राइटिंग में, कि 34 लगेगा कि नहीं लगेगा। अब 34 भूल जाओ, जो भी नए स्टूडेंट है पुराने तो अभी भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब याद रखो 3 का 5, 3 के 5 में, 3 के 5 में आएगा, 3 के 5 में 34, ठीक है, और क्या, 3 के 5, 3 के 5, 3 के 5 कॉमन इंटेंशन यहां मिलेगा भैया 3 के 5 में। बिल्कुल याद करने के कई तरीके हो सकते हैं, मेरे तो ऐसे ये बोली लगा लगा के याद करेंगे, 3 के 5 में, 3 के 5 में कॉमन इंटेंशन मिलेगा 3 के 5 में, है ना, जिसको भी चाहिए है लेके जाओ 3 के 5 में, ठीक है, ठीक है 3 के 5। तो ये 3 के 5 में आपको क्या मिलेगा भैया, कॉमन इंटेंशन मिलेगा, और ये आईपीसी में कहां था आपका, 34 में था। ट्रिक वही जिसपे हंसी आ जाए और आपको याद हो जाए, ट्रिक ऐसी नहीं होनी चाहिए कि सताए कि यार ये ट्रिक तो अच्छी लग रही है पढ़ने पे लेकिन याद क्यों नहीं हो रही है, नहीं तो फिर वो ट्रिक ट्रिक नहीं है। हाँ ये जो लिख रहा हूं ना ये सही है,
कहां पे 32 लिखा है वहां ने? हाँ तो सही तो लिखा, 3 के 4 में 32 है, ये 3 का 5 है, गलत थोड़ी लिख रहा हूं। अरे चलो ठीक है, ये लिख लो, ये सही होगा, वो वाला भी सुधार लो, है ना, वो 3 के 4 में है और वो 32 है ना। खुश, बस खुश, आप लोग भी खुश। हाँ डन 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 डन, ठीक है पढ़ो भैया। आपका स्टार्ट होता है कॉमन इंटेंशन, सामान्य आशय, सामान्य आशय पढ़िए। सामान्य आशय को अग्रसर करने वाले कई व्यक्तियों द्वारा किया गया कार्य, जबकि कोई आपराधिक कार्य कोई व्यक्ति द्वारा सबके सामान्य आशय के अग्रसर में करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वहीन होगा मानो कि वह कार्य उस अकेले ने ही किया हो। और क्या बीएनएस पढ़ो ना आप लोग, यही लैंग्वेज लिखी होगी, अलग थोड़ी कुछ होगा। हाँ 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 वेरी गुड, कुछ डिफरेंस मिला? नहीं, जो कि आईपीसी में भी लिखा है और जो कि आपका इसके 3 के 5 में लिखा है, सिर्फ ये सबसेक्शन में बता दिया है कि भैया जनरल एक्सप्लेनेशन के बारे में बात कर रहे हैं, हम स्पष्ट कर रहे हैं कि भैया कॉमन इंटेंशन होता क्या। देखो कॉमन इंटेंशन क्या होता है, पहली चीज उसमें एक वर्ड लिखा है आपका, एक है क्रिमिनल एक्ट। क्या वर्ड लिखा है पहला? क्रिमिनल एक्ट। क्रिमिनल एक्ट में एक वर्ड आता है जब उसको क्रिमिनल बनाता है या उसको दुर्व्यवहार बनाता है एक्ट, और एक्ट क्या होता है? सीरीज ऑफ और या सीरीज ऑफ ओमिशन भी जोड़ दो, क्योंकि हम आगे पढ़ के आए हैं ना, इंक्लूड है ना इसी में, तो ये वाली चीज आपकी हो गई, ये क्रिमिनल एक्ट बनाता है। अब एक्ट कैसा होता है, जो आपका एक्ट जो होता है वो आपका लार्ज भी होता है और स्मॉल भी होता है, बड़ा भी हो सकता है और होता है कि नहीं होता है। देन इसके बाद और क्या लिखा है, क्रिमिनल जो एक्ट होता है उसमें फाइन होती है कि नहीं होती है, इसका मतलब आपके क्रिमिनल एक्ट में क्या है, फाइन वगैरह। अब ये तो था क्रिमिनल एक्ट के बारे में, एक क्रिमिनल एक्ट कैसे बनता है, ऐसे बनता है। अब उसमें जो बोला गया है उसमें पहली शब्द था क्रिमिनल एक्ट, मतलब ये सब उसमें किया गया है जिसपे फाइन है पनिशमेंट है, जिसमें फाइन है और पनिशमेंट है, पर्सन सेवरल पर्सन। अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं, आगे बढ़ा दूं, पहला पॉइंट किसके बारे में बात कर रहा है, वो सेवरल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, सेवरल पर्सन के बारे में बात कर रहा है, कई व्यक्ति हैं, इसका मतलब एक 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 एक, इसका मतलब व्यक्ति एक हो नहीं सकता, उसका कॉमन इंटेंशन एक हो नहीं सकता, इसका मतलब मिनिमम कितने पर्सन चाहिए, 2, इसका मतलब मिनिमम कितने हैं सेवरल में से, मिनिमम 2 व्यक्ति तो हैं। इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन टू ऑल, मतलब इसका इंटेंशन भी मारने का है, इसका इंटेंशन भी मारने का है, इसका इंटेंशन भी मारने का है, या चोरी करने का है, चोरी करने का है, चोरी करने का है, एक व्यक्ति का इंटेंशन मारने का है, दूसरे व्यक्ति का इंटेंशन मारने का है, तीसरे व्यक्ति का इंटेंशन मारने का है, इसी को बोलते हैं फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन। बस सामान्य आशय के अग्रसर में, इसका भी आशय क्या है, मारना, इसका भी आशय क्या है, मारना, इसका भी आशय क्या है, मारना, और तीनों का आशय मारना है, मतलब ये क्या है, कॉमन है।
कॉमन है, जैसे ब्लैक कलर क्या है, कॉमन है, सभी पहनते हैं, तो हम उसको ये थोड़ी बोलते हैं ये ब्लैक अच्छा है, ये ब्लैक अच्छा है, ये ब्लैक अच्छा, कॉमन ब्लैक पहन के आ जाना कोई दिक्कत की बात है नहीं है। तो ये बोल रहा है कॉमन, इनका भी मारने का, इनका भी मारने का। अब इस कॉमन इंटेंशन के आशय में तीनों क्या करते हैं, तीनों जो काम करते हैं वो ये है। पहला है प्री प्लान, क्या करते हैं पहले प्री प्लान करते हैं, और मतलब पूर्व नियोजित योजना, और दूसरा है मीटिंग्स ऑफ माइंड, मस्तिष्कों का मिलन। दूसरा है आपका मीटिंग्स ऑफ माइंड, मस्तिष्कों का मिलन। इसका मतलब पहले ये है, पहले ये लोग बैठेंगे, बैठ के एक योजना बनाएंगे, योजना बना के मतलब ये है आपकी योजना एक्ट के पहले की, बिफोर एक्ट, और आपका मीटिंग्स ऑफ माइंड मतलब पहले से आपने क्या किया है। अब मीटिंग्स ऑफ माइंड क्या हो सकता है, दो तरीके का हो सकता है मीटिंग्स ऑफ माइंड आपका। अगर मैं बात करूं मीटिंग्स ऑफ माइंड में दो चीजें देख सकते हैं, सकते हैं बता नहीं रहा हूं कि होती ही है, एक तो आपका कॉन्स्पिरेसी देख सकता हूं मैं, कॉन्स्पिरेसी मतलब आपका षड्यंत्र, ये षड्यंत्र भी आप रख सकते हो मीटिंग्स ऑफ माइंड में, आपके दिमागों का मिलन हो रहा है मतलब एक षड्यंत्र बन रहा है। दूसरा हो सकता है आप इंस्टिगेट कर रहे हो किसी व्यक्ति को, उकसा रहे हो, आपकी मीटिंग्स ऑफ माइंड में आप दिमाग मिला रहे हो और बोल रहा है ये काम तुझे करना है, 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 एक बोल रहा है नहीं करना, अरे यार कुछ तो कर दे यार, बाहर से लाके चाकू ही दे दे, उकसा दिया। इसका मतलब आपका ये वाली चीज भी हो सकती है, देखा जा सकता है इसमें मीटिंग्स ऑफ माइंड में। लेकिन पूर्व नियोजित प्लान में आपका पूरा क्या होता है, प्लान में आपकी क्या होती है, पहला चीज होता है इंटेंशन जो कि कॉमन बन चुका है, तभी आप कॉमन इंटेंशन में जाओगे। दूसरी चीज होती है प्रिपरेशन, इन दोनों से आपका प्लान पता चलेगा, अटेम्प्ट से पता नहीं चलेगा। अटेम्प्ट से, अटेम्प्ट क्या होता है, अटेम्प्ट एक अलग चीज होती है, हमने जो सोचा है हो सकता है उससे भिन्न काम हम करके आ सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, एक होती है मॉडस ऑपरेंडी, क्या होती है भैया मॉडस ऑपरेंडी, क्या होती है सोनिया मॉडस ऑपरेंडी क्या होती है, नाम वर्ड सुना है, सुना है क्या होता है, मतलब मॉडस ऑपरेंडी होती है आदत, बुरी आदत है बदल डालो आप लोगों की, जवाब ना देने की, मॉडस ऑपरेंडी है ये आप लोगों की। इसका मतलब अगर कोई चोर चोरी कर चुका है पहली बार, और पहली बार भी उसने ताला ऐसा खोला, आगे गया फिर ताला तोड़ा, फिर वापस आया ताला टूटा लगा दिया, टूटा हुआ लगा दिया, मतलब ये आदत है। तिजोरी खोलने गया, तिजोरी पे तार के निशान बनाए ऐसे ऐसे, अपना एक मार्क्स छोड़ना ऐसे ऐसे, ये आदत है। जैसे धूम टू ऋतिक रोशन वो ए छोड़ के जाता है, ए छोड़ता है ना हर जगह, तो वो वाला क्या आदत है कि हम पता कर पाए कि ये उसी व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है जो पहले चोरी हुई है, ये उसी व्यक्ति द्वारा चोरी की गई है जो पहले की गई है। तो ऐसे भी व्यक्ति ऐसे हैं यहाँ पे जो अपना नाम बढ़ाने का चाहते हैं, चोर हो तो ऐसा हो नहीं तो ना हो, ठीक है। तो ये वाली मॉडस ऑपरेंडी मतलब आदत होती है, और आदत से भी व्यक्तियों को क्या किया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। तो ये लॉ पे प्रेजम्पशन लिया जाता है कि मॉडस ऑपरेंडी से भी उसी तरीके से उसने वापस चोरी करी है, नंगे पैर आया नंगे पैर गया, हो सकता है कि ऐसी चीज लेके आया हो जिससे आप पकड़ ही ना पाओ, कुछ नहीं है इसका मतलब वही वाला चोर है, ये प्रेजम्पशन लगा सकते हैं। इसका मतलब आपके अटेम्प्ट करने के तरीके अलग हो सकते हैं, आपकी प्रिपरेशन, आपकी सब चीजें, आपकी ये चीजें बता सकती हैं कि आपका एक इंटेंशन है, आपने प्री प्लान योजना बनाई थी, पूर्व नियोजित योजना बनाई, और आपने एक मीटिंग्स ऑफ माइंड सभी लोगों को साथ में बिठा के आपने बोला कि तू एक काम करना, बाहर खड़े रहना भैया, हम तीन लोग जाएंगे और एक बंदूक अड़ा देगा हम जब तक बैंक लूटेंगे। ये क्या है, ये योजना है, ये क्या है, ये षड्यंत्र है भाई, मतलब ये दोनों में फॉल कर सकता है आपका मीटिंग्स ऑफ माइंड, समझ में आ रहा। एक चीज पर और बात करूंगा, आगे बढ़ाएं, छोटा करते हैं पहले, रुको,
है। अब देखो, अब देखिए, अब एक चीज पे और बात करते हैं। जैसे मैंने ए बी सी और डी इन दोनों का कॉमन इंटेंशन, इन तीन चारों का क्या है, एक कॉमन इंटेंशन बना, और वो कॉमन इंटेंशन क्या है, कॉमन इंटेंशन बना, और वो कॉमन इंटेंशन ये है कि हमें क्या करना है, एक बैंक में क्या करनी है, चोरी करनी है। क्या करनी है भैया, चोरी करनी है। तीनों का काम अलग अलग, चारों का काम क्या है अलग। ए का काम है पहरा देना, बी का काम है, बी का काम क्या है, बंदूक कनपट्टी पे लगाना मैनेजर की, सी और डी का काम क्या है, लूटना, मतलब लूट है, लूट है, ठीक है, लूटना, ये इनका काम है, ये इनका काम है, ये इनका काम है। अब समझना बात को, तीनों ऑन स्पॉट है क्या, ऑन द स्पॉट है ना, उस सीन ऑफ क्राइम पे, किस पे, सीन ऑफ क्राइम पे। सीन ऑफ क्राइम के बारे में भी बता देता हूँ। सीन ऑफ क्राइम दो तरीके का होता है, एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, एक आउटसाइड होता है, एक इनसाइड सीन ऑफ क्राइम होता है। इनसाइड सीन ऑफ क्राइम होता है कमरे के भीतर, और आउटसाइड सीन ऑफ क्राइम होता है कमरे के बाहर। लेकिन यही पहचानना बहुत बड़ी मुश्किल होती है कि कोई व्यक्ति आपकी खिड़की बाहर से गेट दरवाजे आंगन वगैरह खोल के आया है, ठीक है, और घुसा तो वो आउटपुट से इनपुट है, और बॉडी आपकी पड़ी है गेट के दरवाजे में, मतलब आपकी बॉडी पड़ी है आधी अंदर और आधी बाहर। तो सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि सीन ऑफ क्राइम आउटसाइड मानू या, ये है फॉरेंसिक साइंस, कि आपको एक स्किल डिसाइड करना पड़ता है सीन ऑफ क्राइम बनाने के लिए। ये यही पॉइंट आता है, यही वाला, कि एक्यूज पर्सन कहां था और वो भागा कहां से और एंट्री कहां से ली, वो बता देता है कि सीन ऑफ क्राइम को हम कैसे डिनोट करेंगे। खैर ये आपकी सब्जेक्ट की बात नहीं है, जब आएंगे तो बताएंगे। ये रिसर्च की बात होती है, जब हम इन्वेस्टिगेशन जब करते हैं वगैरह वगैरह करते हैं, जब पुलिस वाले जो सर्च करते हैं वो उनके लिए। एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट आता है, जैसे कि मैं आऊंगा एक आध दिन, बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो ऑन स्पॉट समझ में आ रहा है, देखो और आगे बढ़ाते हैं इसको और छोटा करेंगे। चलो तुम भी छोटे हो जाओ, बस इतना ही हिम्मत थी, बस इतना ही भैया इसमें दम, ठीक। चलो इसको आगे बढ़ाएंगे हम, आगे बढ़ जाओ, ठीक। अब दो चीजें हो सकती हैं, स्टोरी को थोड़ा सा उल्टा सोच सकते हैं, कि हमने एक प्लान बनाया बैंक लूटने का, हमने बोला कि हम तीनों कार से जा रहे हैं, तू बाइक से आ जाना, क्योंकि तो तुझे तो क्या देना है, पहरा देना है, तू बाहर आके खड़ा रहना, बस एक कॉल कर लेना मुझे। ये भाई साहब बाइक से आ रहे थे, रास्ते में इनको ट्रक ने उड़ा दिया, ट्रक वाले ने उड़ा दिया, इनकी टांग टूट गई। अब हमने फोन किया यहां से तीन लोगों ने, तो भाई पहुंचा कि नहीं पहुंचा, बोले नहीं यार मेरी तो टांग टूट गई है। क्या टूट गई टांग, मैं तो हॉस्पिटल में हूं, अब नहीं आ पाऊंगा। इन तीनों ने बैंक लूटी, और बैंक लूटते लूटते ये पकड़ा गए, क्या हो गए, पुलिस आ गई, पकड़ के ले गई। अब समस्या ये है कि 34 उस टांग टूटने वाले पे भी लगेगा कि नहीं लगेगा, जो उस समय पे प्रेजेंट था ही नहीं, लगेगा, क्यों लगेगा, एक और चीज। चलो इसी चीज से एक और क्वेश्चन, आप प्लान में बैठे लेकिन आपने मना कर दिया, ना 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 ना, ना मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूं, फिर 34 लगेगा कि नहीं लगेगा, मैंने आप लोगों से बोला चलो बैंक लूटते हैं आज, आप चारों ने मना कर दिया, नहीं नहीं सर हम नहीं लूटेंगे। और अगर जिसने ये बोल दिया सर बताइए तो लूटना कैसे है, यू आर राइट। अगर मैंने ये बोल दिया, पूरी स्टोरी भी सुन ली और देन इसके बाद भी मना किया तो नहीं लगेगा, और अगर मैंने ये बोला ठीक है डन मैं आ जाऊंगा, और मैं आ जाऊंगा और नहीं पहुंचे तो भी लग जाएगा। दो केस होते हैं,
क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं, इसको देखो क्या लिखा है, एक्ट इन द सेम मैनर एज इफ इट वर डन बाय हिम अलोन, सेवरल और बाय हिम अलोन। ये बताता है कि आपको स्पॉट पे क्या होना चाहिए था, प्रेजेंट होना चाहिए था। एक्ट तो करना चाहिए ना कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए करना चाहिए। अगर एक ने भी किया है और आप चारों ऐसे खड़े देख भी रहे हो तो भी आपका कॉमन इंटेंशन है। लेकिन इसके लिए एक केस आया था, उनने बोला कि अगर हम इस तरीके से इसको डील करने लगे कि जो आएगा वो पाएगा पनिशमेंट और जो नहीं आएगा वो नहीं पाएगा, इसका मतलब तुम उस इंटेंट, हम बात एक्ट की नहीं कर रहे, हम बात तो कर रहे हैं आपकी मेंटेलिटी की, हम बात कर रहे हैं आपकी इंटेंशन की, आपका फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन की पनिशमेंट है। एक मन्नू वल्लू वाला केस आपको याद है, घर में घुसे थे, मैंने बोला 34 लगेगा कि नहीं लगेगा, 325 इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा। अब आपका निर्णय होना चाहिए इस हिसाब से कि भैया अगर किसी व्यक्ति के घर में, अगर किसी व्यक्ति के घर में दो लोग ये दो लोग हैं, अगर इस व्यक्ति के घर में घुसते हैं और जिसमें से एक इंसान इसको मारता है और एक इंसान खड़ा रहता है, तो बताइए मैंने लगा दी सेक्शन 325 आईपीसी, हाथ पैर तोड़े आए, एक ही ने तोड़े तो दूसरे वाले पे भी 325 लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अगर लगना चाहिए और नहीं लगना चाहिए, ध्यान से सुनना भैया जो भी मेरा देखेगा, क्योंकि पर्सनली आना पड़ेगा पूछने के लिए, ध्यान से सुनना। अगर व्यक्ति की टांग टूटी, उसने तो बैंक में आया ही नहीं है, तो आपने क्यों लगा दी फिर 380? बैंक लूटने की चोरी का क्यों लगा दिया उस पर ऑफेंस? लगाया कि नहीं लगाया? और जब हम जजमेंट राइटिंग पढ़ रहे थे तो आप लोग बोल रहे थे कि 325 लगा दो सर इस पे, एक ने मारा क्योंकि उसमें लिखा था मन्नू ने वाला, वल्लू ने नहीं मारा, मान के चलो मन्नू वल्लू हटाओ, इसने मारा इसने नहीं मारा, तो लगाओगे क्या 325 का 34 दोनों पे? लगेगा कि नहीं लगेगा? इसके हिसाब से अब लगेगा और उसके हिसाब से जो मैंने पढ़ाया था नहीं लगेगा। मदहोशिया रहना भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, कॉमन इंटेंशन को समझने के लिए आपको एक ही चीज समझना है, सिर्फ दो चीजें, मीटिंग्स ऑफ माइंड और प्री प्लान योजना। अगर ये दोनों चीजें नहीं है तो कॉमन इंटेंशन उस सेक्शन पे लगने वाला है ही नहीं। मन्नू और वल्लू रेंडमली घर में घुसे थे, जब वो पूजा करने से मना करने के लिए आया, उसको उकसाया, वो घुसे, उनका कोई योजना नहीं थी, उनके कोई प्लान नहीं था, इसलिए जो एक्ट उसने किया उस पर 325 लग गया, और बाकी दोनों घर में घुसे इसलिए 452 का 34 दोनों पे लगा। समझ में आई? मैं वहां से यहां इसलिए कनेक्ट कर रहा हूं, आपकी जजमेंट राइटिंग शार्प हो जाएगी, जो धूल चढ़ी है वो भी साफ हो रही है। मैंने बोला था जब 34 पढ़ाऊंगा, 34 मतलब आईपीसी का और बीएनएस का 30 का 3 का 5। समझ आपको समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? पक्का क्या बोल रहा हूं? लगेंगे लगेंगे, अलग अलग लगेंगे, लेकिन 34 कब लगेगा, मतलब 34 सॉरी 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 3 का 5 कब लगेगा? तभी लगेगा अगर कोई व्यक्ति ऑन स्पॉट नहीं पहुंचा, तब लगा रहे क्या आप? मैं 4 लोगों को प्लान करके गया था जिसमें से एक आया नहीं है, लगा दूंगा क्या? लगा दूंगा। अब आई समझ में? फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, और ये वर्ड क्यों लिखा है अलोन? अगर तुम तीनों भी नहीं आए और अगर मेरे द्वारा भी एक्ट हुआ है तो ये माना जाएगा कि आप सबके द्वारा हुआ है, और अगर सभी नहीं आए और मैं अकेला कर रहा हूं तो ये माना जाएगा कि आप अकेले ने ही ये एक्ट किया है। बात खत्म, डन डना डन कि नहीं? इसका मतलब आपके एसेंशियल कंटेंट क्या क्या लिखी?
और याद रख लो ये कॉमन इंटेंशन यहां पे नहीं लिखा है, कॉमन इंटेंशन जो वर्ड है, जो कॉमन इंटेंशन जो वर्ड है वो 1970 में ऐड किया गया था। कब किया गया था कॉमन इंटेंशन वर्ड, नहीं कॉमन इंटेंशन, सॉरी कॉमन इंटेंशन नहीं, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन जो वर्ड है वो 1970 में ऐड किया गया था। और कौन से वाले केस में ऐड किया गया था, ये केस किया गया था गणेश बाबू वाले केस में, गणेश बाबू वाले केस है एक उसमें, हाँ एक केस है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे, गणेश वाला केस है, याद सर्च करना आप लोग, मिल जाएगा आपको है ना, उसमें ऐड किया गया था 1970, नीचे लिखा भी होगा। और इसको बोला जाता है रूल ऑफ एविडेंस, हाँ रूल ऑफ एविडेंस बोला जाता है किसको, आपके कॉमन इंटेंशन को, क्या बोला जाता है रूल ऑफ एविडेंस। ये कौन से वाले केस के हिसाब से बोला गया, हरबस कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, हरबस कौर वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यही रूल ऑफ एविडेंस। अगर इसको क्या बोलते हैं, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, ज्वाइंट लाइबिलिटी, और क्या बोलते हैं इसको, हाँ संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, क्या बोलते हैं इसको, संयुक्त दायित्व का सिद्धांत, हाँ चलो इसके कुछ केस लिख लीजिए फटाफट, लिखते जाओ। महबूब शाह वर्सेस एम्परर, पहला केस मेंस है, मेंस पे बिल्कुल ध्यान देना, महबूब शाह वर्सेस एम्परर, पांडुरंगा का केस, इसको बोला जाता है आपका महबूब शाह वर्सेस एम्परर को इंडस रिवर केस। ये लोग आप पढ़ के आना, कल मैं सुनूंगा नेट पे से, पढ़ के आना ठीक है लक्ष्मी, हाँ अरे तो स्टोरी पढ़नी है, मजा नहीं आता स्टोरी पढ़ने में, खाना खाते खाते लगा लेना, अब स्टोरी भी याद अगर कर रहे हो तो क्या, नहीं आपके लिए है मेरे लिए नहीं, मैं बताने को तो अभी भी बता दूं, लेकिन नहीं पढ़ो उसको। दूसरा लिखो वीरेंद्र कुमार घोष, कुमार घोष, इसको बोला जाता पोस्ट ऑफिस केस, वीरेंद्र कुमार घोष पोस्ट ऑफिस केस, वर्सेस कुछ नहीं है, वर्सेस है आप लोग पता करना, मैं ऐसे लिखता था। पांडुरंगा केस ऑन स्पॉट कॉमन इंटेंशन बना था इसमें, उनने बोला मार साले को, ले बन गया कॉमन इंटेंशन, तो पांडुरंगा केस ऑन स्पॉट कॉमन इंटेंशन बना था इसमें। जे एन देसाई का केस पढ़ना बहुत फेमस है, ऑन स्पॉट कॉमन इंटेंशन, ऑन स्पॉट क्रिएट कॉमन इंटेंशन, जे एन देसाई महाराष्ट्र वाला केस है लेकिन लिखवा नहीं रहा हूं, पढ़ो जे एन देसाई, जे एन देसाई भैया, पार्टिसिपेशन फिजिकली नेसेसरी है इसमें बोला था लेकिन सभी केसों में नहीं है। जनरल रूल क्या है, ऑन स्पॉट सबको आना चाहिए लेकिन सभी केसों में नहीं, ये जे एन देसाई ने बोला था इसलिए हम मानते हैं। आप क्लियर बात है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलो आज के लिए इतना काफी है, कॉमन इंटेंशन हो गया और पूछा जाएगा कॉमन इंटेंशन के साथ, कल करेंगे हम कॉमन ऑब्जेक्ट, फिर आएगा मजा, डन डन, चल पढ़ के भी आना कॉमन ऑब्जेक्ट।